Извините, его Георгий. डिवीजन लेवल पे टास्क फोर्स कायम किए हैं। रिसेंटली हमने हर एक सब डिवीजन में टास्क फोर्स कायम किए हैं, जिसका मुद्दा और मकसद ये है कि वो पाइपें वो जब्त करें, सो दैट जो हमारी वो वाटर सप्लाई की लाइन है उस पर वो पानी ज़ाया ना होने दें, ताकि लोगों के पास वो अच्छी तरह से पानी पहुँचेगी। डिपार्टमेंट में इस में अच्छे कदम लेकर अच्छा खासा काम कर रहे हैं। थैंक यू। प्रोग्राम चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जल जीवन मिशन। तो जहाँ जहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि कहीं पे फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है, हमारी वो उसमें पीएसटी से पानी दे रहे हैं, तो लेकिन हर स्कीम में अब फिल्ट्रेशन प्लांट लगेगा, तो हर घर हमें नल से पानी लेना है, तो उसमें तो लगभग 30 साल के अगले डिज़ाइन पीरियड के लिए 30 साल के लिए यहाँ लोग पानी के हवाले से मुस्तफ़ीद होंगे। डिसाइड किया कि आज अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का पूरा दौरा किया जाएगा और यहाँ पर हम सारे वाटर सप्लाई स्कीम जो यहाँ पर अंडर एग्जीक्यूशन है उनका जायज़ा ले रहे हैं। उसमें एक स्कीम हमारी यहाँ पर ये वाटर सप्लाई स्कीम भ्रिंटी बटपुरा चल रही है, उसकी ओवरहेड टैंक यहाँ पर इस वक्त बन रही है, उसकी कैपेसिटी लगभग 1,50,000 गैलन कैपेसिटी है, तो ये वैली में सबसे बड़ी टैंक पहली होगी यहाँ पर।